का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मिर्जापुर जनपद के विद्युत पावर एक्सचेंज में कर्मचारियों ने अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मेन गेट पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगे ना पूरी होगी तब तक धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। कर्मचारी द्वारा 13 सूत्री मांगों को लेकर के हड़ताल जारी है। आइए इस विषय में मैं बात करता हूं, क्या है ये पूरा मामला। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार प्रजापति है। हम लोग यहां पर कार बहिष्कार कर रहे हैं, परंतु हम लोग कार बहिष्कार करना हमारा उद्देश्य नहीं रहा है। हम लोग मजबूर होकर के मतलब कार बहिष्कार कर रहे हैं। इसके लिए लगभग एक माह पहले जो है हमारे जो संयुक्त संघर्ष समिति के जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं, इन लोगों ने पत्र के माध्यम से हमारे शीर्ष प्रबंधन ऊर्जा प्रबंधन को जो है अवगत करा दिया था कि हमारी जो मांगे हैं 13 सूत्री मांगे हैं उस पर आप विचार करके उसके हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए, अन्यथा हम लोग जो है 29 नवम्बर से जो है कार बहिष्कार करेंगे। परंतु वार्ता हुई विफल हो गई और उसी के क्रम में हम लोग जो है 29 नवम्बर से कार बहिष्कार कर रहे हैं। आगे किसी अधिकारी को आप लोगों ने ज्ञापन दिया, कोई कार्रवाई या किस तरह का? इसके लिए तो हमारा केंद्रीय जो नेतृत्व है वो ऊर्जा जो शीर्ष प्रबंधन है उसको जो है जानकारी देकर के ही हम लोग जो है उन्हीं के नेतृत्व में कार्रवाईस्कार जो है जिलेवार कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा सर? यह अनिश्चितकालीन है, जब तक इस पर कोई निर्णय नहीं आ जाता है, जब तक हमारा जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हम लोग इस तरह कार बहिष्कार में लगे रहेंगे। आप लोगों की मांगे अगर कि पूरी नहीं होती इसके आगे क्या? आप लोग इसके आगे हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति वो जैसा हम लोगों को निर्देश देगी वैसा उसका पालन करेंगे हम लोग। जिस तरह से आपने देखा यहाँ पे कार्य बहिष्कार करके सारे कर्मचारी यहाँ पर एक एकजुट हो करके और धरना स्थल पर बैठे हैं।